नमस्कार दोस्तों, वृद्धि लीगल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक नई प्लेलिस्ट हम लोग अपने वृद्धि लीगल चैनल पर स्टार्ट करने चाह रहे हैं, जिसका नाम है RTI यानी कि सूचना का अधिकार। और इस सूचना के अधिकार प्लेलिस्ट में हम आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि मुझे RTI के तहत इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे अभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हैं एसिड अटैक से रिलेटेड। तो जो पहला वीडियो है उसमें मैं आप लोगों से ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि आखिर यूपी में सन 2014 से लेकर के 2019 के बीच में कितनी एसिड अटैक की घटनाएं हुई हैं और कितनी एसिड अटैक की घटनाएं अटेम्प्ट हुई हैं। जो इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी थी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, तो आप उससे देख सकते हैं कि आखिर इन्फॉर्मेशन किस हेड के अंतर्गत मांगी गई थी। तो आइए देखते हैं कि सन 2014 से लेकर के 2019 के बीच में उत्तर प्रदेश का क्या हाल रहा एसिड अटैक को लेकर। दोस्तों, 326A में, 2014 में 42, 2015 में 51, 2016 में 44, 2017 में 56, 2018 में 40 और 2019 में 42 एसिड अटैक के केसेस हुए हैं जो कि पूरी तरीके से कमिटेड हैं। वहीं दूसरी ओर अटेम्प्ट के मामले में देखा जाए तो 2014 में 13, 2015 में 10, 2016 में 7, 2017 में 9 और 2018 में 4, 2019 में 2 मामले सामने आए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि एसिड अटैक के मामले में उत्तर प्रदेश काफी पीछे है और बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश में एसिड अटैक को लेकर के आ रही हैं। मेरा पर्पस इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि आप इस चीज को लेकर के जागरूक हों, आप इस चीज को, इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर करें और एक बेहतर सल्यूशन इस समाज को दें, इस कानून व्यवस्था को दें, ताकि एसिड अटैक पे सजा होना एक डिफरेंट चीज है, एक अलग चीज है, लेकिन आखिर प्रिवेंट कैसे किया जाए एसिड अटैक्स को, इस पे हम लोग एक चर्चा कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि आप लोगों के सल्यूशंस अगर जायज हैं और अगर उन सल्यूशंस के माध्यम से एसिड अटैक को रोका जा सकता है तो मैं अंत तक लड़ूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।